जी अस्सलाम वालेकुम, हम आए थे यहाँ हरनोई ड्रोन शॉट्स लेने। वैसे मैं जा रहा हूँ आज, किधर जा रहे हो? समंदर कटा। रिसेंटली ये मैंने फेसबुक पे देखा था, एक नई जगह डिस्कवर हुई है, बड़ी प्यारी जगह, तो काफ़ी लोगों को नहीं पता इसके बारे में। तो मैंने बोला अभी तक इसको किसी ने कवर भी नहीं किया, तो क्यों ना मैं कवर करूँ। अभी ये जो ड्रोन शॉट्स आए थे ना जी, हमने लिए थे यहाँ हरनोई के पास, और मेरे साथ आया हुआ मेरा पार्टनर शाह जी, मैं मिलवाऊँगा उससे भी आप। सी यू। ये यहाँ के लोकल बाबा हैं, वो अभी हमें हिस्ट्री बताएंगे समुंदर कटे की। थोड़ा नाम ऑकवर्ड लग रहा है बट जगह बहुत प्यारी है। बाबा जी बताएं, चलें। बताता हूँ, ये है कि ये जो है बड़ा गली उसका नाम है, उससे रोड जाता है नीचे और समुंदर कटे में, समुद्र में आया उधर हिंदू लोगों का बाग थे। 1944-45 में इधर से हिंदू चले गए तो ये मुसलमान लोग उधर आबाद हुए। आज दिन तक वही नाम चल रहा है कि ये हिंदू चले गए और मुसलमान आ गए। अभी मुसलमानों की आबादियाँ ये बहुत बड़ी दूर दराज तक पहुँच गई हैं। सही। हाँ, बहुत आबादियाँ बन गई हैं। तो उसके बाद उसका नाम समुद्र कटा ही, हमने सुना है कि समुद्र कटा है, ये हिंदू लोगों ने रखा था। तो बाबा जी कह रहे हैं कि ये जो नाम है ये हिंदुओं ने रखा था, तो ये वही नाम जो है अभी तक चल रहा है, क्योंकि चेंज नहीं किया। अभी फिर 1945 में फिर जो है यहाँ पे मुसलमान आ रहे थे, अकॉर्डिंग टू बाबा जी। मुझे इस चीज़ का कोई नहीं पता, क्योंकि वो यहाँ के रहने वाले हैं तो उनको ज़्यादा पता है। तो समुंदर कटा काफ़ी प्यारी जगह है। अभी इन्होंने थोड़ा इसको जो है खुद जो झील टाइप बनाया, जो मैंने सुना है। अभी मैं जाऊँगा तो मुझे पता लगेगा। और अभी मैंने कुछ हार्डली 10-15 दिन पहले फेसबुक पे फ़ोटो देखा था, फिर मेरा एक दोस्त है शाह साहब, ये शाह साहब हैं, इन्होंने मुझे बोला कि मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। सो अभी मैंने यहाँ ड्रोन शॉट्स लिए थे, बताया था, अभी हम जा रहे हैं। कितना टाइम है यहाँ से, कितना दूर है यहाँ से? अभी घंटा लगेगा आगे, क्योंकि ये हरनोई में जो पुल आता है ना, लोकल खन्ना पुल कहते हैं उसको, लोकली सब जानते हैं इस पुल को, सबको पता है। यहाँ से आगे लगेगा घंटा। सो फाइनली वी हेयर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं समुंदर कटा। देखिए समुंदर ठीक है, कटा थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है, बट हमें तो पता है हमारी इनको जबान में कटा किसको कहते हैं। कटा इज अ काइंड ऑफ के कटा। शाह जी किसको कहते हैं, काइंडली एक्सप्लेन करें। कटा ये जो होता है ना, मतलब ये तो एक दरिया टाइप की चीज़। ये दरिया है? दरिया नहीं, ये इसको व्हाट इज दिस इज कटा। ये कटा छोटी सी झील जिसको छोटी सी बस। अब देखें ऐसे मजा नहीं आने वाला, तो टूरिस्ट जो ड्रोन भी है फोन के लिए ठीक है, ड्रोन है तो क्यों ना ड्रोन उड़ाया जाए। तो पी के मुझे नहीं पता कौन सी फ्लाइट होती है, अपनी उड़ान के लिए तैयार है। अनस है, अनस आप बताएं कि ये जगह किसके थ्रू बनी है, या ये पहले से ऐसी थी, या ये बनाई गई है? अनस भाई बताएं जरा आप। ये इमरान साहब ने कहा ये तरक्की में दूंगा, आपको बिल में पास करूंगा। नवाज भाई ने कहा अच्छा काम करो, ये लोग गंदगी फेंकते हैं, गंदगी का मन है इधर, गंदगी उठानी मन है इधर, पुलिस भेजे। गंदगी उठानी नहीं मना, गंदगी फेंकना मना। अनस भाई क्या कर रहे हैं आप, ये गंदगी इधर देखे। आप सबको बोले हाँ जी चाचा, इस लड़के को हल्का ना लें, बस मेरा बोले
ये लोग कहते हैं कि गंदगी उठाना है, गंदगी आप साथ लेके जाएं, गंदगी उठानी चाहिए। अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं कि गंदगी इधर से लेके जाएं, इधर गंदगी ना करें, आप ये कहना चाह रहे हैं। सुने, ये आपके नाम पे बनी है? ये इमरान साहब ने कहा है, इमरान साहब ने ऐसा कहा है, इमरान साहब ने कहा है कि इमरान साहब, यस इमरान साहब, अगर आप मेरा ब्लॉग देख रहे हो तो काइंडली आप मेरे से कॉन्टेक्ट करें, मैं आपको मिलना चाहता हूँ। गंदी नहीं होनी चाहिए। ओके, पर इसमें तो आप देखें नीचे कितनी वो मिट्टी है, मिट्टी मिट्टी तो होती है, जाहिर है मिट्टी है तो नीचे मिट्टी मिट्टी। ये किश्ती है भाई, दी थैंक यू सो मच अनस भाई। ये लोग बोलते रहते पेट्रोल वाली किश्ती चलेगी, पेट्रोल वाली किश्ती चलेगी बता रहे हैं अनस भाई। कौन सी चलेगी? पेट्रोल वाली किश्ती, इमरान भाई कहते हैं पेट्रोल वाली किश्ती चलेगी, पानी मतलब और कोई सीन नहीं है इसमें, पानी वाली किश्ती चलेगी, पेट्रोल इसमें चलेगा। ये बंदा बहुत एक गहरी बात कह रहा है, लोका निया गल्ला ने ते लोग बाणे रहने, समझने वाले समझ, लोका निया गल्ला है ते लोग बाणे रहने, क्या कह रही है लड़के ये लोग। हाँ जी, तो दिस इज द समुंदर कठा। मेरे सीओ साहब जो हैं, आप जानते होंगे शायद, देखा भी हो व्लॉग्स में, नहीं हो तो मैं जरूर इंट्रोड्यूस करूंगा। सीओ साहब ने 2 दिन पहले मुझे गोली दी है, उन्होंने बोला है कि जाएंगे, फिर उन्होंने एंड टाइम पे मेरी फ़ोन ही पिक नहीं किए। तो फिर एक हमारा पुराना दोस्त है शाह साहब, हेलो, थैंक यू शाह साहब, थैंक यू शाह साहब, हमें लेके आए हैं, सब्सक्राइब करें इसका पेज। और ये बड़े प्यारे बच्चे हैं, इन सब ने मेरी, ये वाला बच्चा बड़ा मतलब, इसने मेरी बड़ी हेल्प की है, तो थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। हाथ हिला दो सर, बोलो कहानी, ऊंची ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, कहानी, कहानी कुछ कुछ ऐसी ऐसी है, है कि हम समुंदर कठे में हैं, हम समुंदर कठे में। दोबारा दोबारा, कहानी, कहानी कुछ कुछ ऐसी ऐसी है, है कि हम समुंदर कठे में हैं, कि हम समुंदर कठे में हैं। अभी वापस जा रहे हैं, फिर नहीं, अभी वापस जा रहे हैं। और एक बात और, के अगर किसी को प्रॉपर गाइड चाहिए इस जगह की, तो आप मुझे भी मैसेज कर सकते हैं, ये शाह साहब है, इनका काम ही है जो टूरिस्ट आते हैं उन्हें गाइड करते हैं। मैं इनके पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बड़े मज़े की जगह, आप ज़रूर आएँ, विज़िट करें, मज़ा ना, इधर का मज़ा ना आया ना तो पैसे वापस हैं, बस जो बात है। और एक बात और बतानी है मुझे, कि मेरा एक दोस्त है फोटोग्राफर है, उसको जो है पता नहीं किस तरह उसकी बात हुई, तो चाइना वालों को एक वीडियो बना के देनी है हमने, कुछ टनल्स हैं उसकी मुझे अभी प्रॉपर इसका पता नहीं है, तो अब आपके भाई कल जाएंगे चाइना वालों के साथ वीडियो बनाने। बाकी एक बात और, कि मैंने देखा है कि काफ़ी टूरिस्ट आते हैं जो उनको, वो एबटाबाद को सिर्फ एक स्टे के लिए जो है यूज़ करते हैं, बाकी उनको हरनोई का ही पता है, या शिमला हो गया, इलियासी हो गया, उनको इन जगहों का नहीं पता। तो ऐसी चीज़ों को शेयर किया करें, क्योंकि ये हमारा एबटाबाद प्रमोट होगा इससे। तो बाकी ये बात थी। ये हमारे साथ अनस शहजाद है। अनस शहजाद, ये बताओ ये जगह कितनी ज़्यादा गहरी है, और ये सुनने में है कि ये इनके नाम पे बनी है। ये ऐसे इमरान ने कहा ये बेल में पास करूँगा, इस पे किश्तियाँ भी लगाएंगे, सब सामान पहुँचाएंगे। अच्छा अच्छा, ये लोग झूठ बोलते रहते हैं, झील का काम है, इधर बंदे आए तो हम पैसे देंगे, जो बंदे आते हैं उनको पैसे देंगे, इधर नवाज भाई ऐसे नहीं है, ये इधर झील शी नहीं नहीं, ये इमरान साहब कौन है? इमरान साहब नहीं है, इमरान साहब हमारे अच्छे भाई हैं, ये अच्छा, लोग झूठ बोलते रहते हैं। और ये सुने, आप अभी कह रहे थे आपके नाम पे बनी है, ये इमरान भाई ने कहा ये अच्छी बुनी हुई है, इसको अच्छा करेंगे, इस पे हेलीकॉप्टर ही भेजेंगे। हेलीकॉप्टर लोग बोलते